राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। टीकमगढ़ शहर में लड़कियों और महिलाओं के साथ आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छेड़छाड़ और अपहरण की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। लड़कियों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। मंचलों की हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि किसी भी राह चलती लड़की के साथ छेड़छाड़ कर उसके साथ अभद्रता तक करने लगती हैं। चार दिन पहले इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसकी पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। वही आज फिर एक और नया मामला सामने आया है, जहां नाबालिग छात्रा कोचिंग के लिए जा रही थी, तभी कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया और उसका अपहरण करने की कोशिश की। उसके साथ छेड़छाड़ की और बदतमीजी भी की। लड़की बुरी तरह घबरा गई। पीछा कर रहे लड़कों ने उसकी स्कूटी की चाबी भी छीन ली, हाथ में पहने ब्रेसलेट भी छीन लिया, लड़की के साथ जबरदस्ती भी करने लगे, जिसके नाबालिग छात्रा काफी सहम गई और डिप्रेशन में आ गई। घर पहुंची लड़की को तुरंत परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की। लड़की के परिजनों ने बताया कि साहिल खान, अमन खान और मुन्ना खान और उसके साथी पिछले कई महीनों से उसको परेशान कर रही थी। कोचिंग जाते समय उसका पीछा भी करते, बद्दे बद्दे कमेंट्स भी करते। हद तो तब हो गई जब उसका पीछा किया और स्कूटी की चाबी छीन ली और अपहरण करने की कोशिश की। लड़की घबराकर भागी और पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत उसको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस अब इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। गंभीर बात यह है कि नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है। कोचिंग क्लास के बाहर मंचले नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे तमाशा देख रही है। आखिर ऐसी मंचलों पर क्यों नहीं कर रहा भाई होती है। तरह से छेड़छाड़ की घटना सामने, इसमें क्या कार्रवाई हुई? कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक बच्ची से छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी, जिसमें पता चला कि बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी वहां पहुंची, वहां पर उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई करी और यहां पर असल कायमी होने के बाद उसमें चार आरोपी थे, जिन्हें तत्काल हिरासत में लिया गया और उनसे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? इसमें धारा 341, 354, 327, 506, 34 और 508 के तहत कार्रवाई की जा रही है।